हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान बीएसटीसी 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में जीके साइंस, राजस्थान जीके, जनरल हिंदी, कंप्यूटर के क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दर लगभग डैश होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 380 से 420 nm। दूसरा क्वेश्चन, मक्खन डैश का उदाहरण है। तो मक्खन ये किसका उदाहरण है? तो मक्खन जो है गाइस ये पायस का उदाहरण है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलिन जल के 10 अणु नहीं होंगे? किस लवण में क्रिस्टलिन जल के 10 अणु नहीं होंगे? सही आंसर हो जाएगा एप्सम सॉल्ट, ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम मोयर के द्वारा की गई थी। जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये बिल्कुल बुक के मैच किए हुए आंसर हैं। अगर इसमें एक दो क्वेश्चन अगर गलत निकल जाएं उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। सही आंसर हो जाएगा, वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन ए इज राइट। छठा क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन पूछ रहा है 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने टेस्ट के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। वर्ष 1930 में सीवी रमन ने भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? सही आंसर हो जाएगा विस्ट्री टेल्स, ऑप्शन बी। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। हाँ, दसवां क्वेश्चन देखेगा, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को डैश क्या कहा जाता है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच जो मौजूद जल संधि है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पाक जल मरुस्थम, ऑप्शन बी। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बहरीन की राजधानी कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा मनामा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर बुक में कुछ क्वेश्चन अगर गलत निकल जाएं उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बुक के मैच किए हुए आंसर हैं। अगला क्वेश्चन, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी?
सही आंसर हो जाएगा मीरा कुमार, ऑप्शन बी। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा मेरठ में हुआ था। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। उर्दंड मार्गदंड, ऑप्शन बी। पंद्रहवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार होने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? सही आंसर हो जाएगा लर्मा रोजो। अगला क्वेश्चन देखेगा, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो गाइज ये तैयार किया था बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्रहवां, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी की बात हो रही है, सो गाय लावणी जो है ये महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन बी। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलें और शेयर भी करें। 1773 से 1785 ईस्वी तक वस्तुत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर ज़्यादा नहीं 100 लाइक का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाश काटजू, वी के कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, यशवंत चौहान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलदेव सिंह। ओके, आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? नर्मदा, साबरमती, तापी, माही। सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? सही आंसर हो जाएगा पराग कोष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कौन सा ऐसा जीवाणु है जो कि अंडाकार या गोलाकार होता है? सही आंसर हो जाएगा कोकस। कोकस जीव ऐसा होता है जो कि अंडाकार या फिर गोलाकार जैसा होता है। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा पिकनोमीटर। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमावेक घाट पर किए जाने वाले दशमावेक यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। सही आंसर हो जाएगा भगवान ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, ऑप्शन वी। हाँ, 26वां क्वेश्चन देखिएगा, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? सही आंसर हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून, 11 जून। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 जून। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था सर फ्रैंक विटल के द्वारा, ऑप्शन बी।
सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलें ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा होती है उस रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा की जो होती है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। सही आंसर हो जाएगा राजा राम। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है वो कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा घुमुरा, घुमुरा नृत्य। अगला क्वेश्चन, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें डैश महिलाएं शामिल थीं, 30, 20, 15, 25। सही आंसर हो जाएगा कुल 15 महिलाएं शामिल थीं, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा की गई थी? अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था? सही आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ये महल बनवाया गया था, हवा महल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील, मैक्सिको। सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 2022 की एशियाई खेल की मेजबानी द्वारा की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी एशियाई खेल की मेजबानी 2022? ऑप्शन बी, चीन के द्वारा। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जो कि इंसुलिन पैदा करता है? सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, सॉरी, यहाँ से आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, राजस्थान जी के। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि राठौड़ वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? राव सिहा, ऑप्शन सी। आज के सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में कौन वेगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? वेगू किसान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? राम नारायण चौधरी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? तारागढ़, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। तो सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, अगला क्वेश्चन है, 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार ये किसने संभाला था? 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार किसने संभाला था? सुगाज ये संभाला था राम नारायण चौधरी ने। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मान सिंह। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है? विजय स्तंभ, ऑप्शन डी। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, यह आपको ध्यान में रखना है। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस अंग्रेज बस्ती पर धावा बोला था? सही आंसर हो जाएगा नसीराबाद। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है?
किस भाग में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है, किस राज्य में? सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग में। सो गाइस, आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थानी भाषा में पाथल और पीतल की रचना किसने की थी? पाथल और पीतल की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया ने। ओके, सो गाइस, आज के सेशन में अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध ये किससे है? तो राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, ऑप्शन बी। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ वगैरह नीलगाय चीतल रिज जरक व चिकारा आदि पाए जाते हैं, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? शेर सिरोही, ऑप्शन सी। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, यह शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा जोधपुर, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में विस्तृत रूप से पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? राजस्थान में विस्तृत रूप से पाया जाने वाला खनिज अब्रक हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्रक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, इसमें छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है, आप समझिएगा ध्यानपूर्वक आप लोग। 54, सायक नदी सूची वन में और सूची दो में है नदियाँ, तो सबसे पहले मैं आंसर क्लियर कर देता हूँ, बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। साबरमती वाकल से हो जाएगा, कालीशिन परवन से हो जाएगा, लूनी जवाई माही का सोम से, तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कागज राष्ट्रीय संस्थान का सर्वप्रथम उद्योग है, कागज राष्ट्रीय संस्थान का सर्वप्रथम उद्योग है कौन सा? ऑप्शन बी, सागानेर में। बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बनास नदी पर बीसलपुर बांध है, ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऊंट अपने कोबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? ऊंट अपने कोबड़ का उपयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। पद्म भूषण जगदीश सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो उनका संबंध है श्री गंगानगर से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निवासियों की सभ्य वेशभूषा थी, राजस्थान के निवासियों की सभ्य वेशभूषा कौन सी थी? पगड़ी भी थी, अंगरखिया, दुपट्टा, सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का खुजराव निम्न में से किसे कहा जाता है? राजस्थान का खुजराव, तो राजस्थान का खुजराव कहा जाता है किराडू मंदिर को। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आर्द्रता, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन, वह नदी जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है इसको क्या कहते हैं? वह नदी जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है, सही आंसर हो जाएगा माही नदी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु शक्ति ग्रह रावट भाटा ये कहां पर स्थित है? सुगा जी स्थित है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है?
भरतपुर, हनुमानगढ़, अलवर, बीकानेर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, आप बताइए कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अगला क्वेश्चन, जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है? ऑप्शन ए, जिलाधीश। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां से आपके सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि नए संगणक का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा, नए संगणक का विलोम होगा कृत्रिम। उद्घाटन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा उद्घाटन। एकाएक में कौन सा समास है? एकाएक में, तो एकाएक में कौन सा समास होगा? तो एकाएक में समास होगा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कालिंदी, अर्कजा, सूरतनया, ये सभी। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरा क्या होगा? ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सही शब्द छांटिए अनिष्ट। इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें जो अनिष्ट है, अनिष्ट का शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है, छांटिए आप। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिष्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। सही आंसर हो जाएगा, तुलसी की कविता में माधुरता है, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पराक्रम में कौन सा उपसर्ग होगा? पराक्रम में उपसर्ग होगा ऑप्शन बी, परा। अच्छा, अब ये बताइए कि बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? बुलावा, ऑप्शन सी, आवा। जिसकी चिंता ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी चिंता ना हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी। अब यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से चार्ट का कौन सा प्रकार स्कैटर चार्ट जैसा होता है, परंतु स्कैटर चार्ट के विपरीत दो की बजाय तीन मानो बैलू की तुलना करता है? पाई चार्ट, बबल चार्ट, एरिया चार्ट, रेडार चार्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बबल चार्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल से संबंधित नहीं है? कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल से संबंधित नहीं है? AVG, ऑप्शन सी जो है आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीरीज को भरने के लिए निम्न में से कौन सा सीरीज प्रकार वैध नहीं है? ऑप्शन डी, टाइम। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस, इस गणितीय एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर बराबर 22² + z² को लिखने के लिए निम्न में से किस विशेषता का उपयोग किया जाना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, ऑप्शन ए। एमएस वर्ड में फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ग सीट संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में एक वर्ग सीट से अगली वर्ग सीट पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें आप लोग। अगला क्वेश्चन, वर्क बुक में एक नई वर्क शीट शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट का, शिफ्ट बताइए, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स बनाने, उन्हें एडिट और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन ये रहा, एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प फाइंड और रिप्लेस, ढूंढना और प्रतिस्थापित करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा दस्तावेज को तारीख से ढूंढना, ऑप्शन सी। ओके, आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, फाइल प्रबंधन में फाइल डेटा को स्थायी रूप से प्रिंट दस्तावेज के रूप में फिर से उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्ड कॉपी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर से जुड़ी विशेष प्रकार की डिवाइस को ऑपरेट या कंट्रोल करता है, उसे डैश क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। अगला क्वेश्चन, इमेज चित्रित करने और ग्राफिक तथा एनिमेशन बनाने के लिए उपयोग होने वाली कंप्यूटर डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ग्राफिक टेबलेट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस एक्सप्रेशन MOD 558 का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए, 8। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है, निम्नलिखित में से विंडोज का कौन सा कंपोनेंट हार्ड डिस्क से गलती से डिलीट की गई फाइलों या फोल्डर के लिए सुरक्षा जाल का काम करता है? सही आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन, ऑप्शन डी। यानी कहने का मतलब, जो डिलीट की गई जो फाइलें होती हैं वो सीधे जाती हैं रिसाइकल बिन में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि डिलीट की हुई जो फाइलें होती हैं वो कहाँ पर जाती हैं, रिसाइकल बिन। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सीपीयू में अंकगणित तथा तर्क के मध्यवर्ती परिणाम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेटर्स, ऑप्शन ए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।